हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने राजभवन से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नशामुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विशेष रूप से तैयार किया गया वाहन जिसमें नशामुक्ति को लेकर जानकारी उपलब्ध करवाई है का अवलोकन भी किया। देखिए, आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने हिमाचल प्रदेश में नशा छोड़ो इस अभियान के साथ अपना मोबाइल वैन यहाँ ले आए थे, जिसका हरी झंडी दिखा करके हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए जो इनका प्रयास है उस अभियान को सफलता देने के लिए यहाँ हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई है। मुझे लगता है कि आज मैं इस मामले में ये कह सकता हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी पवित्र संस्था और वह नशा मुक्ति के लिए लोगों के बीच में जा करके कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं स्वयं हिमाचल प्रदेश में इसका अभियान चला रहा हूँ और हमारा पूरा शासन तंत्र इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। इस अभियान के साथ मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा जो अपने को नशे की तरफ ले जा रहे हैं कि वह न तो उनके लिए हितकर है, न उनके परिवार के लिए हितकर है और न वह जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के लिए हितकर है। तो इस नाते नशा छोड़ो, आज तो सिंथेटिक नशा भी आ गया है, केवल शराब ही नहीं रह गया, भांग ही नहीं रह गया है, सिंथेटिक नशा करने वाले की उम्र ही 2-3 साल की होती है। तो मुझे लगता है कि जो ये अभियान ब्रह्मा कुमारी ने शुरू किया है उनको इसमें सफलता मिले। मैं प्रयत्न करूंगा कि उनके तरफ से अगर कोई प्रतिवेदन आएगा तो मैं शासन से भी इस बात को कहूंगा कि विशेष करके विद्यालयों इत्यादि में भी इनके जो वीडियोज हैं उसको दिखाया जाए और दिखा कर करके जो है लोगों को प्रेरित किया जाए और इनके साथ लोग जुड़े, ये अभी मेरी कामना है। मेरा नाम सुनीता शर्मा है, मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में राजयोग शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ और आज हम यहाँ पर राजभवन में आदरणीय महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के द्वारा नशा मुक्ति अभियान इसके उपलक्ष्य पर यहाँ पर आए थे और आज इस कार्यक्रम का शुभारम्भ हमने राजभवन में यहाँ से शुरू किया है और इसका हमारा लक्ष्य यही रहता है कि हर एक युवा जो आज के समय में नशे से बुरी तरह से पीड़ित हैं, छोटे हो या बड़े हो, हम चाहते कि सभी नशे से मुक्त हो जाए और हमारा ये भारत देश सुखी बन जाए, शांत बन जाए, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और ये अभियान अभी अन्य कई राज्यों में हो चुका है और शिमला डिस्ट्रिक्ट में अभी आज से शुरुआत है इसकी और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम गांव-गांव में, हर तहसील में, हर घर-घर में जा करके ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएंगे, यही हमारा प्रयास रहेगा। और आप लोगों की भी, प्रशासन की भी हमारे साथ शुभकामनाएं हैं और हम सभी भी इसी शुभकामना के साथ लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, यही हम जो है इसी लक्ष्य को लेकर के चले हुए हैं। ओम शांति। कब तक ये अभियान आपका चलेगा मैम, और क्या शिमला जिला ही कवर करेगा या पूरा हिमाचल कवर करेगा? नहीं, वैसे ये पूरे भारत में चला हुआ है लेकिन हमारा तो ये लक्ष्य है कि सरकार की तरफ से जो हमें परमिशन मिली है, 3 साल का ये अभियान है और इसमें अभी इस साल ये शुरुआत हुई है इसकी और इसकी शुरुआत हुई है हमारे हेडक्वार्टर माउंट आबू से। तो अभी देश विदेश में सभी जगह पे बहुत सारे कार्यक्रम तो हो भी चुके हैं कई देशों में और लाखों लोगों ने इससे बहुत लाभ लिया है और हमें उम्मीद है आगे भी लेंगे। जी, हिमाचल में कितने दिन चलेगा? हिमाचल में लगभग 20-25 दिन तक तो चलेगा। हाँ जी जी।